ਅਬੇ ਮਜਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਢਿਡੋ ਪਹਿਲੀ ਗਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਬਣੀ ਸਿਕਾਈ ਗਣ ਬੱਦ ਦਾਸੀ ਬਿੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात तो वहा व्हाट्सअप गाइज कैसे आप लोग उम्मीद करते आप लोग बढ़िया होंगे तो फिर से लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग तो गाइज अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहना आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है और गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए इस आज का वीडियो बिना किसी दरी के शुरू करते हैं तो गाइज़ आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा अगर आपके पास अइट मोशन नहीं है तो आप इसको इजली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना मैं वहाँ पर इसका लिंक दे दूँगा ठीक है तो गाइज़ करने के बाद आपको सिंपली आना प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आने के बाद आपको गाइज क्या करना होगा कि आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दो प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेना है एक है सेक इफेक्ट और एक है बीट मार्क प्रोजेक्ट ठीक है तो दोनों ही प्रोजेक्ट को इजली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा करने के बाद आपको क्या करना होगा आपको सबसे पहले आपको बीट मार्क प्रोजेक्ट को अपने ओपन कर लेना ठीक है तो गाइज़ यहाँ पर जैसे आप बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लिरिक्स और यहाँ पर आपको यहाँ से बीट यहाँ इस तरह से आपको शो हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या करना होगा गाइज़ आपको अपने इमेजेस को यहाँ पर ऐड करना है ठीक है तो इमेजेस को ऐड करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है कि आपको फर्स्ट बीट की तरफ आना है प्लस पे क्लिक करना है मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से इस पर क्लिक करके आपका जो भी फोल्डर रहेगा गाइज आपका जहाँ पर भी इमेज रहेगा आप उसको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना ठीक है सिंपली उस फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है और यहाँ से एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट और इसको ट्रिम कर देना है तो गाइज़ कुछ इस तरह से सेम प्रोसेस रहेगा आपको सिंपली फोटो पे क्लिक करना है फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करना है फिर यहाँ से एरो पे क्लिक करके फोटो को ट्रिम करना है फिर प्लस पे क्लिक करना है फोटो पे क्लिक करना है तो ठीक है गाइज इस तरह से आपको पूरा एंड तक आपको अपने इमेजेस को पूरा इस तरह से ऐड करना है सो फाइनली इस देख सकते हो हमारा जो यहाँ पर इमेज है पूरा ऐड हो गया ठीक है तो आपको भी कुछ इस तरह से बीट के हिसाब से अपने इमेज को ऐड कर लेना है ठीक है इमेज़ को ऐड करने के बाद आपको करना क्या है क्या आपको बैक आ जाना है और आपको जाना है सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे और आपको कैसे क्या करना है आपको फर्स्ट इमेज पर क्लिक करना है इफेक्ट पर क्लिक करना है थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है, है करने के बाद आपको फिर से बैक आना है फिर से आपको बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट पर चल जाना है और यहाँ से आना है आपको फर्स्ट बीट की तरफ और यहाँ पर क्या करना है क्या आपको अपने इमेज पर क्लिक करना है सिंपली ठीक है अपने इमेज पे क्लिक करना है इफेक्ट पे क्लिक करना है डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है उसके बाद आपको एक इमेज को छोड़ देना है फिर आपको एक इमेज में पेस्ट करना है तो गाइज यहाँ पर जितना आपको इमेज दिख रहा है तो कुछ इस तरह से जो है आपको यहाँ पर इफेक्ट को पेस्ट करना है ठीक है तो पूरा एंड तक आप इस तरह से वन बाय वन करके इफेक्ट को पेस्ट कर लेना ठीक है गाँग? तो गाइसा इफेक्ट को पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है फिर से जैसे कि यहाँ पर अपने पेस्ट कर दिया आपको फिर से बैक आ जाना है आपको सेकंड इमेज पे चल जाना है और यहाँ से इस पर क्लिक करना है इफेक्ट पे क्लिक करना है थ्रीड डॉट पे क्लिक करना है कॉपी इफेक्ट कर लेना है ठीक है करने के बाद आपको फिर से बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट पर आ जाना है और यहाँ से आपको फर्स्ट बीट की तरफ आना और यहाँ से गए जितना आपने इमेज को छोड़ा था आपको सिंपली उस इमेज पे क्लिक करना इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है तो गए इस तरह से आपको अपने इमेजेस में इफेक्ट को ऐड करना जिसमें जिसमें आपने छोड़ दिया था आपको इफेक्ट को ऐड नहीं किया था आपको सिंपली इस इफेक्ट को वहाँ पर ऐड कर लेना है तो गई काफ़ी ज़्यादा सिंपल है तो आप इस तरह से जो आप इजिली जो है ऐड कर लेना ठीक है तो वह जो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एडिटिंग करने में और आपको इजीली समझ में आ जाए कौन सा इफेक्ट कहाँ पर पेस्ट करना ठीक है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि फिर से आपको बैक आना है और यहाँ से और यहाँ से दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है प्लस पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर करना है और आपको फिर से बैक आना है आपको फिर से बीच मार्क वाले प्रोजेक्ट पे चल जाना है और यहाँ से प्लस पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर पे क्लिक कर देना ठीक है करने के बाद आपको पूरा एंड तक आ जाए एंड तक आने के बाद आपको क्या करना का का तो टू लेयर को सिलेक्ट करना है ठीक है उसके बाद आपको पूरा एंड तक कुछ इस तरह से कर लेना है तो उसके बाद आपको जो है कुछ इस तरह का मतलब आपको इसमें कुछ इस तरह का कलर एडिंग देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको जाना एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे और आपको क्वालिटी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना तो आपका वीडियो जो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा तो हम मिलते कि इस नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर तब तक के लिए बाय बाय